हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की गणित की क्लास में। और आज की गणित की क्लास में हम सीखेंगे संख्याओं की तुलना करना। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे संख्याओं की तुलना करना चिन्हों के द्वारा, यानी कि निशानों के द्वारा। तो बच्चों देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ निशान बनाए हुए हैं और नीचे कुछ संख्याएँ लिखी हुई है। आपको क्या करना है, इन निशानों को पहचानना है और उन संख्याओं की तरफ वो निशान बनाने हैं। तो पहले हम निशान पहचानेंगे। तो पहला हमारा निशान है जो ये साइड खुला मुंह है, यानी कि जो संख्या बड़ी होगी उसकी तरफ ये साइन, ये चिन्ह करना है। यहाँ देखिए जिस तरह ये मुंह बंद है, यानी कि छोटी संख्या की तरफ, जहाँ छोटी संख्या लिखी होगी वहाँ आपको ये निशान बनाना है। और ये है बराबर का निशान, जहाँ दो संख्या समान यानी कि बराबर होंगी आपको वहाँ ये निशान बनाना है। तो चलिए बच्चों, मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे कि यहाँ देखिए कितनी संख्या है, 11, 32। तो 11 और 32 में से हमारी बड़ी संख्या कौन सी है, 32। तो ये निशान किसकी तरफ गया है, 32 की तरफ। यहाँ कितनी संख्या है हमारी, 48। और यहाँ कितनी संख्या है, 37। तो 48 और 37 में से हमारी बड़ी संख्या कौन सी है, 48। तो ये निशान 48 संख्या की तरफ बनाया है। और यहाँ पे कितनी संख्या है बच्चों, 23। और यहाँ पे कितनी संख्या है, 23। 23 और 23 यानी कि बराबर संख्या है, तो हमने यहाँ बराबर का निशान लगाया है। चलिए बच्चों, उसी तरह हम और संख्याएँ लिखते हैं। यहाँ पर कितनी संख्या है, 22। और यहाँ पर कितनी संख्या है, 44। तो हमारी इनमें से बड़ी संख्या कौन सी हुई बच्चों, 44। तो ये निशान यानी कि खुला हुआ मुंह 44 की तरफ जाएगा। यहाँ पर कितनी संख्या है, 28। और यहाँ पर कितनी संख्या है, 10। तो इनमें से 10 हमारी बड़ी संख्या कौन सी है, 28। तो ये निशान 28 की तरफ बनाएंगे हम। यहाँ पर कितनी संख्या है, 16। और यहाँ पर कितनी संख्या है, 16। यानी कि हमारी दोनों संख्याएं बराबर है, तो यहाँ कौन सा निशान आएगा, बराबर का निशान। तो देखा बच्चों आपने, आज हमने किस तरह संख्या की तुलना करना सीखा है। उसी तरह आप अपनी किताब में पेज नंबर 12 में ये कुछ और सवाल दिए हुए हैं, आपको इन संख्याओं को पहचान कर इनको सही निशान यानी कि चिन्ह लगाना है। तो बच्चों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।